बच्चों मैं अभी आपको यूनिट डिजिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे कि किसी नंबर की कोई पावर करने के बाद उसका जो यूनिट प्लेस आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, वो क्या होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दें और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। जैसे सपोज़ जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, आप बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। 14 होल पावर 19 होल पावर 20 होल पावर 13 होल पावर 126, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे अगर आप टॉपिक पर ध्यान देंगे, अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आगे टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ। डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इन डिजिट्स में 0 1 5 और 6 ये फोन नंबर ऐसे नंबर्स हैं, इनकी पावर में अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इनका यूनिट प्लेस जो होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो सेम एज इट इज 0 होगा। 1 पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। इसी टाइप से 5 पावर n है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। 6 पावर पॉजिटिव नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है ना। मीन्स 0 1 5 6 ये ऐसे नंबर हैं, इनकी पावर अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, वही सेम नंबर। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, ठीक है। अब जैसे सपोज ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 पावर 102 पावर 103 पावर 105, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बोला 5 पावर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो 5 पावर एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये जो भी नंबर आएगा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू लेके आएगा ना, बोलिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो भी यूनिट डिजिट आए, यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर आएगा वो 5 होगा, ठीक है। सेम है 6 पावर 102 101 105, 6 है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, यूनिट प्लेस क्या होगा इसका, 6। क्लियर, ठीक। अभी आगे देखिए बेटा, अभी इन डिजिट्स में 0 to 9 जो डिजिट्स थे हमारे, उन डिजिट्स में 4 और 9 ये दो ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर है, ठीक है। 4 भी स्क्वायर है और 9 भी स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर वाले नंबर्स हैं उन पर अगर आप ध्यान दें, मीन्स 4 पावर इवन नंबर और 4 पावर ऑड नंबर्स पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। 4 पावर 1 यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 4। 4 पावर 2 की करेंगे तो इट मीन्स हो गया 4 into 4, और 4 into 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 का यूनिट प्लेस क्या हो गया, 6। 4 पावर 3 इट मीन्स 4 into 4 into 4 3 times, तो 4 into 4 यूनिट प्लेस क्या आया, 6, और 6 into 4 करेंगे 24, यूनिट प्लेस क्या हो गया, 4। 4 पावर 4 करेंगे इट मीन्स 4 into 4 into 4 into 4, 4 into 4 कितना हुआ, 6, 6 into 4 24, फिर से 4 हो गया, 4 into 4 कितना हुआ, 16, फिर से कितना आया, 6। तो आप क्या देख रहे हैं, 4 पावर ऑड नंबर्स 4 आ रहा है, 4 पावर इवन नंबर 6 आ रहा है, 4 पावर ऑड नंबर क्या आया, 4, 4 पावर इवन नंबर क्या आया, 6, ठीक है ना। ये सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, अगर 4 पावर इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, और 4 पावर ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पर
फोर है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए आप, वन हंड्रेड फोर्टीन पावर 4325, ठीक है ना। इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, फोर है ना, तो हमें केवल इतना देखना है इसकी पावर है इवन है या ऑड है। इवन होगा तो क्या आएगा, सिक्स, ऑड होगा तो क्या आएगा, फोर। तो अभी देखिए, वन 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 फोर, इसका यूनिट प्लेस क्या फोर है, तो फोर पावर इवन है या ऑड है, ऑड है ना, तो ऑड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर, ठीक है ना। 204 होल पावर 106, तो फोर पावर क्या होगा, इवन, इवन है तो यूनिट प्लेस क्या होगा, सिक्स, ठीक है। और इससे और आगे चलते हैं तो और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर देखते हैं आगे। 104 होल पावर 13 होल पावर 25 होल पावर 105, इसका हमें यूनिट प्लेस नहीं था, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए, ये तो नंबर हो गया मेरा 104, ठीक है। इसकी पावर में फर्स्ट पावर क्या है, 13, ठीक है ना। इट मींस ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये पूरा नंबर, इसको आप कैसे लिखेंगे, 13 × 13 × 13 × 13 × 13 अप टू, क्योंकि ये जितना पावर ये भी आएगा उतने ही टाइम 13 13 लिखा जाएगा, और 13 एक ऐसा नंबर है, ऑड नंबर, ठीक है ना। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन में सारे ऑड नंबर्स लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। तो इट मींस ये जो फॉर्म बन गया है, फोर पावर क्या हो गया, ऑड, और फोर पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस क्या होगा, फोर, ठीक है ना। सिमिलर ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 214 होल पावर 26 होल पावर 25, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कितना, फोर है, तो हमें ये तो नंबर हमारा वो था जिसकी पावर में था, इस पर ही हमें यूनिट प्लेस निकालना है। तो अभी हमें देखना है यहाँ क्या लिखा हुआ, 26, और इसकी पावर कितना है, 25। तो ये नंबर कैसे लिखा जाएगा, 26 × 26 × 26 कितने टाइम्स, 25 टाइम्स, ठीक है ना। तो इवन 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 सारे इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो फोर पावर इवन हो गया, और इवन हो गया तो यूनिट प्लेस क्या होगी, सिक्स। ऐसे ही सेम हमें किस पे देखना है, नाइन पे। तो नाइन पावर अगर ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट नाइन होगा, और नाइन पावर अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट वन। जो फोर का प्रोसीजर था सेम किसका है, नाइन का। क्वेश्चन जैसे एग्जांपल के लिए, नाइन पावर 42 होल पावर 43 होल पावर 109, ठीक है, बोलिए। तो 9 पावर 42 पावर 43 पावर 109। तो अभी देखना है हमें ये 42 कैसा है, इवन है या ऑड है, इवन है ना, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 9 पावर 15 पावर 20 पावर 13, तो 9 पावर क्या लिखा हुआ है, 15, 15 ऑड नंबर, ठीक है ना। तो 9 पावर अगर ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9, ठीक है। देखिए अभी करना क्या है, हमें सारे नंबर्स पर नहीं ध्यान देना होता कि नंबर पावर क्या बन रही है। आप देखिए 9 का जस्ट जो पावर है उस पर ध्यान दीजिए, अगर वो इवन है, 9 पावर जस्ट इवन है तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा, और 9 पावर जस्ट अगर ऑड है तो क्या होगा, 9 होगा। 4 पावर जस्ट पावर, इसका जो जस्ट पावर लगा हुआ अगर वो ऑड है तो क्या होगा, 4 होगा, और इवन है तो क्या होगा, 6 होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए पावर क्या है,
इवन है ऑड है, इवन है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, ठीक, यहाँ फोर पावर जस्ट इवन है, यहाँ क्या हो जाएगा सिक्स, यहाँ पर क्या ऑड है, क्या हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर क्या ऑड है, क्या हो जाएगा,